हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में ये एरर आ रहा है तो आप इस एरर को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल क्रोम के सर्च बार में इस तरीके से टाइप करना है। फिर आप इसको यहाँ पर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके पास सिस्टम जो है यहाँ पर 32 बिट है तो आप जो है यहाँ पर इसको डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास 64 बिट वर्जन है तो आप इसको यहाँ पर से डाउनलोड कीजिए। तो मेरे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 64 बिट है, तो मैं इसको यहाँ पर से ईजिली डाउनलोड कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप इसको ओपन कीजिए। ओपन कर आप इसको इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल क्रोम के सर्च बार में इस तरीके से टाइप करना है डायरेक्ट टेक्स्ट। फिर आप जो है इसको यहाँ पर क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर से डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको जो है डायरेक्ट टेक्स्ट को इंस्टॉल करना है आपके पीसी में। उसके बाद आप जो है गूगल क्रोम को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आप जो है अगर आपके पास आप अपने पीसी में कोई भी एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाला एंटीवायरस या फिर आप कोई खेल एंटीवायरस, तो इस एंटीवायरस को आपको जो है रिमूव कर देना है आपके पीसी में से। आप उसके बाद आपको जो है यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर के ड्राइवर्स को जो है अपडेट कीजिए। यहाँ पर से आप इस तरीके से सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक करना है। ये इसके ड्राइवर्स अपडेट हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर से आपको जो है इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर आपको लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नेटवर्क अडाप्टर के ड्राइवर शो हो जाएंगे, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ड्राइवर्स अपडेट हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर अपडेट हो गए हैं, तो आप इसको क्लोज कीजिए। आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंड प्रॉम्प्ट। फिर आपको इसको राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देना है, फिर आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम, तो आप यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ये 100% कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। उसके बाद आप कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।